सकते हैं मिसिंग बिल, और ऊपर देखिए मैंने लिखा भी है दिस बिल इज नॉट मेंशन इन टैली, मतलब ये बिल बुक में एंट्री हुई नहीं है, यानी 2A में चढ़ा हुआ है। अब भैया जब 2A में चढ़ा हुआ है और जब मेरे बुक में है ही नहीं, तो बुक को मैं अपने 2A से मैच कर रहा हूँ, यानी अपने बुक के परचेज को पोर्टल के 2A परचेज से मैच कर रहा हूँ। तो जब ये 2A में इतना फालतू आ रहा है जो इतना पार्टी ने दिखाया हुआ है, मैं क्या करूंगा, 2A में से इतने वैल्यू को माइनस करूंगा ताकि मेरे बुक के बराबर आए। ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो सीजीएसटी एडजस्टी आप लोगों ने ऐसे करके, अब बात आती है कि वैल्यू में निकाल कैसे रहा हूँ, कई लोगों को समझ में आ गया होगा, कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। तो दोस्तों मैं साफ साफ आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि जब तक आप कंपेयर नहीं करेंगे अपने पोर्टल के 2A से और एक्सेल अपने बुक के परचेज से, जब तक आपको नहीं पता चलेगा कि किस बिल में मिसिंग है या किस बिल में मिसमैच वैल्यू आ रही है, या कौन से बिल पोर्टल पे तो शो हो रहा है लेकिन हमारे बुक में नहीं है, या फिर ऐसे कौन से बिल हैं जो हमारे बुक में तो है लेकिन पोर्टल में शो नहीं हो रहे। अब सिंपल सी बात है, ये वाला तो वो केस था कि लेस फाउंड इन 2A बट नॉट इन बुक, यानी पोर्टल पे था पर हमारे बुक में नहीं था। तो मैंने क्या करा, पोर्टल में से इतना माइनस करके दिखा दिया। अब माइनस किया तो सिंपल सी बात है, मैं इसको अपने बुक में एंट्री पास करूंगा। लेकिन अब एंट्री अगर आप पास करते हो, अगर आपने सितंबर 2018 जो कि डेट भी बढ़ा था, 31 मार्च 2018 तक इस डेट को बढ़ा दिया गया था, कि ऐसी आईटीसी जो छूट गई है और आप क्लेम करना चाहते हैं उसको आप सितंबर 2018 तक क्लेम कर सकते हैं, डेट को एक्सटेंड करा गया था, 31 मार्च तक किया गया था। तो अगर आप लोगों ने वो क्लेम कर लिया होगा तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं किया होगा तो ये अब आपका लैप्स हो जाएगा, आप ये आईटीसी अब क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये रही वो बात जब पोर्टल पे पाया गया लेकिन मेरे बुक में नहीं था, तो इसीलिए मैंने पोर्टल में से माइनस किया। इसी को उल्टा लेकर चलते हैं, अगर लिखा होता फाउंड इन बुक बट नॉट इन 2A, तो उस केस में क्या करते, जितना बिल हमारे बुक में था उनका सीजीएसटी 2A में मैं ऐड करता और पार्टियों को बोलता कि आपने वो बिल क्यों नहीं चढ़ाया, उन बिल को चढ़ाओ। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ, एड क्रेडिट नोट अपलोड बाय पार्टी, यानी ऐसे क्रेडिट नोट जो हमारे पोर्टल पे तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यानी 2A में आ रहे हैं क्योंकि पार्टी ने चढ़ाया है, सिंपल सी बात है, और बुक में हमने उसकी एंट्री नहीं करी। ठीक, ये मैं दूसरा केस बता रहा हूँ, ये वाला केस देखिए, क्रेडिट नोट अपलोड बाय पार्टी। अच्छा, क्रेडिट नोट अपलोड बाय पार्टी, सिंपल सी बात है। तो पार्टी ने तो क्या करा, इस क्रेडिट नोट को अपलोड कर दिया लेकिन बुक में मैंने एंट्री पास करी नहीं उस क्रेडिट नोट की। अब जब क्रेडिट नोट एंट्री पास करी नहीं है, पार्टी ने क्रेडिट नोट चढ़ाया है, इसका मतलब उसने इतना आईटीसी कम करके दिखाया होगा, 17,362 टोटल क्रेडिट नोट आ रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, यहां देखिए, ये वो क्रेडिट नोट है जो पार्टी ने तो चढ़ाया है पोर्टल पे लेकिन बुक में एंट्री पास नहीं करी गई इसकी। तो अब सिंपल सी बात है कि जब मैं एक सेलर हूं और अगर मैं क्रेडिट नोट इशू करता हूं तो मैं क्या करूंगा, आईटीसी उतना कम कर दूंगा उसका, सिंपल सी बात है। अब जब मेरी आईटीसी कम हो गई है, पार्टी ने उतना आईटीसी कम करके दिखाया है और मैंने अपने बुक में आईटीसी कम करा ही नहीं है, सिंपल सी बात है, तो मैं क्या करूंगा, इतने आईटीसी को 2A में ऐड कर दूंगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिट नोट है, पार्टी ने इतना आईटीसी कम करके दिखाया होगा, अब उसने आईटीसी कम करके दिखाया है तो मैं उसे ऐड कर दूंगा, सिंपल सी बात है। तो मैंने ये ऐड कर दिया, यानी अब यहाँ पे देखिए 3B के अकॉर्डिंग मेरा इतना बैलेंस आ गया, यानी 3B में हमने कितना बैलेंस दिखाया था, कितना क्लेम किया हुआ था, 25,13,160 रुपए, ये मेरा जीएसटीआर 3B के आउटवर्ड की, वो सॉरी इनवर्ड की बात कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है एज पर बुक, सिंपल सी बात है, यानी बुक के अंदर जो हमने एंट्री पास करी है वो कितनी करी थी, 25,13,160 रुपए की आईटीसी क्लेम किया हुआ था। ठीक है, और यही हमारे जीएसटी आर 3B में भी आ रहा होगा, एक्चुअल बैलेंस एज पर 3B, क्योंकि जो मेरे बुक में होगा वही मैंने 3B में भी दिखाया होगा, सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं कि भैया जीएसटी आर मतलब जो मेरा बुक था, बुक में तो इतनी वैल्यू आ रही थी 25,13,160 रुपए और 2A के अकॉर्डिंग भी मैंने मैच कर लिया, सिंपल सी बात है। लेकिन जब मैंने जीएसटीआर 3B देखा, मैं 3B की बात कर रहा हूँ, 3B के अंदर आउटवर्ड, अभी तक ये मैं बुक से दिखा रहा था कि मेरे बुक में जो टोटल एंट्री पास हुई है वो 25,13,160 रुपए की हुई है और वो मेरे 2A से मैच भी हो रहा है। ठीक, लेकिन जब मैंने जीएसटीआर 3B देखा
तो जीएसटी 3 में मुझे क्या मिला कि मैंने वहां पे जितना भी आईटीसी क्लेम किया वो किया है 25,13,899 रुपए, इतने का मैंने क्लेम किया हुआ है। और ये कैसे पता चला? सिंपल सी बात है कि जब आप अपने 3B को मंथली वाइज निकाल निकाल कर देखेंगे, वहां से आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना क्लेम किया हुआ है। ठीक है, तो यहां पे तो मैंने लिख दिया कि मेरे बुक का और 2A का दोनों मैच है, लेकिन अब क्या मैं जो अपने GSTR 3B में मैं दिखाता हूँ कि मेरे इतना ITC है, क्या वो मेरे बुक से भी मैच हो रहा है? क्योंकि जो बुक में आ रहा है वही 2A में आ रहा है, और जो 2A में डिफरेंस था वो हमने डिफाइन कर ही दिया था कि किस किस चीज का डिफरेंस आ रहा था। अब एक्चुअल में क्या मेरे बुक में जितनी ITC है उतना ही ITC मैंने पोर्टल पे भी रिफ्लेक्ट करके दिखाया होगा, उतना ही क्लेम किया होगा? तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे दिखाया 25,13,899 रुपए, लेकिन मेरे बुक में कितना है? 25,13,160 रुपए। यानी जो डिफरेंस आया वो डिफरेंस कितने का आया? टोटल 739 रुपए। ठीक है, 739 रुपए का मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ देखिए, ये तो मेरा वो वैल्यू है जो मैंने ITC क्लेम किया पोर्टल पे, लेकिन बुक में जो वैल्यू था वो था 25,13,160 रुपए। यानी जो डिफरेंस आया वो 739.74 पैसे का डिफरेंस आया। अब इस डिफरेंस का आपको ब्रेकअप चाहिए होगा कि ये आखिर डिफरेंस आ क्यों रहा है। तो ब्रेकअप करने के लिए दोस्तों सेम वही बात है, आपको मंथ वाइज लेके चलना होगा कि इस मंथ में मैंने इतना क्लेम किया हुआ है, क्या वो मेरे बुक के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही है या नहीं। अब यहाँ पे देखिए, आपको अच्छी तरह क्लियर होगा। यहाँ पे देखिए मैंने क्या क्या लेस किया, क्यों लेस किया? यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, लेस ITC टू बी रिवर्स टू द मंथ ऑफ जुलाई। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है कि जुलाई मंथ में मैंने इतना ज्यादा क्लेम कर लिया है, 1,440 रुपए। ये मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। यहां देखिए, ये मैंने डेटा तैयार किया हुआ है दोस्तों। सिंपल सी बात है, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं कि डेटा आप लोगों को तैयार करना बहुत जरूरी है, तभी आप लोग कर पाएंगे। तो देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ कितना दिखा रहे हैं हम CGST में? 1,96,318 रुपए, लेकिन मेरे बुक में कितना है? 1,94,871 रुपए। ये मेरे बुक का है, यानी जब हमने 3B जुलाई का रिटर्न फाइल किया होगा तो इतना दिखाया होगा CGST में, लेकिन मेरे बुक में इतना था, तो यानी 1,446,73 रुपए हमने फालतू क्लेम किया। तो इस बार मैं क्या कर दूंगा, उसे माइनस कर दूंगा अपने 3B में से। तो इसको मुझे रिवर्सल करना होगा, ध्यान दीजिएगा, विथ इंटरेस्ट ये मुझे रिवर्सल करना होगा जब आप अपना GSTR 3B में फाइल करेंगे उस केस में। अब यहाँ पे देखिए अगले में क्या लिखा हुआ है, एड ITC नोट टेकन इन अगस्त रिटर्न, यानी 1,078 रुपए 84 पैसे, इतना मैंने अगस्त रिटर्न जुलाई में 2017 की बात कर रहा हूँ कम क्लेम किया है। मैं ये भी दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, ये मेरे बुक का है जो कि एंट्री हुई है 3,54,814 रुपए की, लेकिन मैंने क्लेम कितना किया है? 3,53,746 रुपए की। यानी मैंने कम क्लेम किया अपने अकॉर्डिंग टू बुक के, कितना? 1,078 रुपए 84 पैसे। तो मैंने क्या करा, इसको ऐड कर दिया क्योंकि मुझे क्लेम करना था, तो इतना मैंने क्लेम कर लिया। सेम सितंबर मंथ में मैंने रिवर्स किया, रिवर्स ये लिखा है मैंने ITC टू बी रिवर्स, क्यों? क्योंकि मुझे पता चले कि मुझे इस वैल्यू को रिवर्स करना है, इसलिए मैंने लिखा है। ओके, अब यहाँ पे 652 रुपये मैंने फालतू लिया होगा सितंबर मंथ, जुलाई ये सॉरी सितंबर 2017 में, तो मैं इतना क्या करूंगा, रिवर्स कर दूंगा विथ इंटरेस्ट। सेम दिसंबर मंथ 2017 में मैंने क्या किया, कम लिया होगा क्लेम 280 रुपये का, तो मैंने ये ऐड कर दिया। तो अब आप देख सकते होंगे कि मेरे GSTR 3B का 25,13,160 रुपए, मेरे बुक का 25,13,160 रुपए, और मेरे पोर्टल का 25,13,160 रुपए, तीनों के तीनों मैच हो गए। इसका मतलब मेरा रिको तैयार हो गया। GSTR 3B फाइल करते समय आप लोगों को ये सारी एडजस्टमेंट करनी होगी, रिवर्सल आप कर सकते हैं विथ इंटरेस्ट, लेकिन ITC अगर छूट गया था 2017-18 का तो आप वो क्लेम नहीं कर सकते, वो आपका लैप्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब बात तो हो गई है 17-18 की, 18-19 का भी रिको आप लोगों को सेम इसी तरीके से बनाना है कि क्या हमने ऐड किया है, क्या हमने लेस किया है, क्या मिसमैच है, क्या हमारे बुक से जो हमारा 3B है पोर्टल का वो मैच हो रहा है या नहीं हो रहा, और जो हमारे बुक का ITC है वो 2A से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा।
अब आपने जितना भी 18-19 में अमेंडमेंट किया होगा, जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि 18-19 का जो मेरा बैलेंस था जीएसटी का इतना था, सीजीएसटी का इतना था, एजीएसटी का इतना था, इसमें से मैंने क्या किया, लेस शो इन टू ए बट नोट शो इन बुक, यानी ये डेबिट नोट है कि भैया टू ए में तो आ रहा है लेकिन मेरे बुक में नहीं आ रहा है। डेबिट नोट है इसका मतलब पार्टी ने इतना ITC ज्यादा दिया होगा पोर्टल पे। अब मैंने क्या करा, उसको वहां से माइनस कर दिया। क्यों माइनस कर दिया, ताकि वो मेरे बुक से मैच हो सके, ठीक है। सेम इस तरीके से एड ITC नॉट रिवर्स क्रेडिट नोट इन जीएसटी आर 3B, मैंने क्या किया, इसको एड किया। एड क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट रिवाइज क्रेडिट नोट इन जीएसटी आर 3B, सिंपल सी बात है। आगे देखिए यहाँ पे सेम वही चीज है, एड नॉट फाउंड इन 2A, सिंपल सी बात कि 2A में पार्टी ने दिखाया ही नहीं और मेरे बुक में है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एड कर दिया। आगे देखिए लेस मिसमैच इन परचेज, जो मिसमैच जो भी थी कि पार्टी ने कम दिखाया तो मैं उसे ऐड कर दूंगा, और अगर उसने ज्यादा दिखाया तो मैं उसे कम कर दूंगा, ये वही बात आ रही है। तो ये आ गया हमारा सूट एज पर जीएसटीआर 3B एज पर बुक, सिंपल सी बात। अब एक्चुअल बैलेंस एज पर 3B में मैंने क्या दिखाया, इतना दिखाया। क्यों दिखाया, फिर देखिए लेस टेकन फॉर लास्ट ईयर, क्यों, क्योंकि जब सितंबर मंथ 2018 में रिको बनाया गया था बैलेंस शीट के लिए, तो उसमें ये फाउंड किया होगा कि 51,308 रुपए का जो CGST है वो छूट गया था, तो इस बंदे ने क्या करा होगा, क्लेम किया होगा। अब क्लेम किया है तो इतना तो ये डिफरेंस आएगा ही आएगा, तो इसको मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ताकि 18-19 का मेरे बुक के 18-19 से मैच हो सके। आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एड रिवॉर्ड्स इन लास्ट ईयर 19,462। अब ये वो कौन सा केस होगा, हो सकता है कि ज्यादा ITC क्लेम कर लिया हो या क्रेडिट नोट इश्यू हो गया हो, उस केस में हमारा उतना ITC रिवर्सल करना बनता था। तो सितंबर 2018 मंथ में इस बंदे ने 19,462 रुपए रिवर्स कर दिया, ठीक है, यानी हमने इसको रिवर्स कर दिया। अब जब रिवर्स किया होगा तो इसको मैं ऐड करूंगा, क्योंकि 18-19 में इतना मैंने ITC कम करके दिखाया है, और उसको अपने बुक से मैच करना है, तो अगर माइनस किया है तो ऐड करूंगा, और अगर मैंने उसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड किया हो तो उसको माइनस कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि जो बैलेंस आया 3B के अकॉर्डिंग 17,33,995 रुपए, अभी भी डिफरेंस आ गया 21 लाख, मतलब 21,631 रुपए। अब ये वो क्या डिफरेंस है, इस डिफरेंस का आप लोगों को ब्रेकअप बनाना है। मेरे केस में मुझे पता है कि जो डिफरेंस है यहाँ पे पार्टी ने एक्स्ट्रा क्लेम कर लिया है 21,631, तो ये रिवाइज हो जाएगा, यानी इसको हम रिवर्सल कर देंगे विथ इंटरेस्ट के साथ, क्योंकि तो रिको मेरे थ्रू ही बनाया गया है सारा, तो मुझे पता है सिंपल, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि 21,631 रुपए एक्स्ट्रा क्लेम किया गया, तो इसको विद इंटरेस्ट में पे कर दूंगा रिवर्सल के साथ। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को 18, 19 और 17, 18 का रिको बनाना है। रिको बनाने के लिए आप लोगों को मैं फिर से एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ कि पोर्टल का 2A से सारा परचेज का बिल निकालना है, वहां से सारे डेबिट नोट क्रेडिट नोट निकालने हैं। इसी तरीके से आपको अपने बुक यानी जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप परचेज की एंट्री करते हैं, वहां से सारे परचेज के बिल निकाल लेने हैं, डेबिट नोट क्रेडिट नोट निकाल लेने हैं, और ये सारे के सारे एक्सेल फॉर्मेट में निकालना है। उसके बाद आप लोगों को कंपेयर कर देना है। कंपेयर करेंगे तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा बिल छूटा हुआ है, कौन से बिल में मिसमैच है, ऐसे कौन से बिल है जो पोर्टल पर तो रिफ्लेक्ट हो रहा है लेकिन मेरे बुक में नहीं हो रहे, या फिर ऐसे कौन से बिल है जो मेरे बुक में है पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, उन सब की ट्रीटमेंट किस तरीके से करनी है, इस रिको के थ्रू मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश करी है। वीडियो पसंद आई दोस्तों तो आप लोग इसे अपने अकाउंटेंट साथियों के साथ शेयर करने की कोशिश करें, ताकि उन लोगों को भी इसका नॉलेज मिले, और इसी तरीके से आप लोगों को अपना रिको बनाना है। आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को काफी नॉलेज मिली हो दोस्तों। वीडियो पसंद आई होगी तो कमेंट करके मुझे अपने ब्लेसेस देने की कोशिश कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इसी तरीके का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को सेल का रिको बनाना सिखाऊंगा कि सेल का रिको किस तरीके से बनाना है, और उसके कमिंग नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इन सब की जो इन्फॉर्मेशन है GSTN 9 में कहाँ कहाँ फिल करना है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा विद लाइव, और उसके बाद मैं आप लोगों को 9C भी भरना सिखाऊंगा कि GSTN 9C में GSTN 9 के थ्रू किस तरीके से डेटा वहां पे फिल करना है। ये सारे वीडियो आप लोग तभी देख पाएंगे जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल बटन को दबा चुके होंगे दोस्तों। तो
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो लाने में मुझे 2-3 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, या फिर मैं कल ही अपलोड कर दूं, लेकिन इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को जब भी प्राप्त होगा, जब आप लोग बेल बटन को प्रेस कर चुके होंगे दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। थैंक यू सो मच दोस्तों।